छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने बुधवार को निजी स्कूलों में फीस वृद्धि व किताबों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मंच का कहना है कि फीस, ड्रेस और कॉपी किताबों की कीमतों में 25-30% तक की बढ़ोतरी की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि इस बार भी फीस में बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह ड्रेस व किताबों की कीमतों में 25-30% तक बढ़ाई गई है। इससे सीधे तौर पर हजारों परिवारों की जेब पर डाका डाला गया है। न्यायालय के निर्णय और सरकार इस पर रोक लगाते हैं, लेकिन इन निर्णयों को स्कूल ठेंगा दिखाते हैं। सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने में असफल रहती है। सरकार को जल्द इसको लेकर रेगुलेटरी कमीशन बनाकर कानून की स्थापना करनी चाहिए, ताकि इस लूट पर अंकुश लगाया जा सके। 2016 से छात्राभिभावक मंच आंदोलन लड़ रहा है, खास तौर पर जो मनमानी लूट है स्कूलों की, भारी फीसें हैं, हर साल फीसों में कई गुना इजाफा हो जाता है, आपको मालूम है 8% से लेकर 50% भी हो जाता है। और हर साल ये भी देखने में आया है कि जो वर्दियाँ हैं स्कूलों की और किताबें हैं, उनके रेट में भी 25-30% बढ़ोतरी हो जाती है। असल बात क्या है? असल बात ये है कि हमारे देश के अंदर जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो जजमेंट है 27 अप्रैल 2016 की, ये सारे के सारे कानून और जो माननीय न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं, ये किसी भी तरीके से व्यापारीकरण पर रोक लगाती हैं स्कूलों की। लेकिन हम क्या देखते आए हैं कि जो सरकार के आदेश भी हैं और न्यायालयों की जो जजमेंट्स हैं, उसको भी धत्ता बताकर जो स्कूल मनमानी करते हैं। और इसीलिए जो आज से 5-6 साल पहले जितनी फीस थी स्कूलों से, उससे दुगना से भी ज़्यादा हो गई है फीस। जो वर्दी के और किताबों के रेट थे, वो दुगना से भी ज़्यादा हो गए। और मज़ेदार बात यह है कि NCERT की जो किताबें हैं, वो पढ़ाई नहीं जाती हैं स्कूलों के अंदर, जबकि कानून के अनुसार NCERT की किताब पढ़ाई जानी चाहिए। NCERT की 100 रुपये की किताब है, उसी किताब के 3 हिस्से बनाकर 3 किताबें बना देते हैं ये प्राइवेट स्कूल, और एक एक किताब की कीमत 300-300 कर देते हैं। यानी 100 रुपये की जो किताब मिलनी थी, वो 900 रुपये में वो किताब चली जाएगी, 1000 रुपये में आपको किताब मिलेगी। इस तरीके की लूट है। तो ये कुल मिलाकर जो है, सीधे रूप में तानाशाही भी है, लूट भी है, मनमानी भी है, और इन सारे विषयों को हम समय समय पर उठाते रहे हैं, सरकार के पास भी आंदोलन के माध्यम से, उच्चतर शिक्षा निदेशक के माध्यम से। बीच में जब हम आंदोलन करते हैं तो कुछ अधिसूचनाएं भी जारी हो जाती हैं, लेकिन उन अधिसूचनाओं को लागू करवाने का जो जिम्मा रहता है विभाग का और सरकार का, उसमें सरकार कहीं ना कहीं चूक जाती है। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर निजी स्कूलों को संचालित करना है, इन पर अंकुश लगाना है, भारी फीसों पर रोक लगानी है, तरह तरह के जो चार्जेस के नाम ही इतने ज़्यादा हो गए, आपको मालूम ही नहीं है कितने चार्जेस हैं। कभी एनुअल चार्ज बोल देते हैं, कभी मिसलिनियस बोल देते हैं, कभी ई केयर बोल देते हैं, कभी स्मार्ट क्लासरूम बोल देंगे, कभी कंप्यूटर रूम का चार्ज बोल देंगे, कभी दूसरा चार्ज बोल देंगे। और ये सारी चीज़ों पर जो है, इनको रेगुलेट करने के लिए कमीशन होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको मालूम ही होगा कि जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटियाँ हैं प्राइवेट क्षेत्र में, उनको संचालित करने के लिए कानून है, रेगुलेटरी कमीशन है हमारे प्रदेश के अंदर 2010 में बन चुका है। और उसी का नतीजा आपने देखा था कि बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पर शिकंजा कसा था, बहुत सारे कुलपति जो हैं उन पर भी एक्शन हुआ था, और बहुत सारों को नौकरियों से भी निकाला गया था, और डिग्रियाँ जो जाली वो भी सामने आई थी। तो अगर इस तरीके का रेगुलेटरी कमीशन और कानून स्थापित हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाता, तो ये जो 3,415 स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में, और जिसमें 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है पढ़ रहे हैं, और जिनके 10 लाख से ज़्यादा अभिभावक हैं, इस 17 लाख लोगों का मसले पर पुरानी सरकार तो ज़रा भी गंभीर नहीं थी, नई सरकार की ओर से भी हम कोई पहलकदमी नहीं देख रहे हैं। कल कैबिनेट है, हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि कैबिनेट के अंदर इस विषय को लें, और उसके बाद जो अभी बजट सत्र भी होने वाला है, उसमें इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेकर जो है रेगुलेटरी कमीशन और कानून की स्थापना करें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।